आज का वचन आपके लिए लेकर आया हूँ निर्गमन की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 31, 31 और 32। और यहाँ पर लिखा है, तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम इसराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो, और अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियाँ और गाय बैलों को ले जाओ। और एक बात और है, और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। प्रियो, ये वो फिरौन है जो इसराइलियों को सताता है, जो इसराइलियों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए जाने देने से मना करता है, जिसको परमेश्वर बार बार इसे कठोर करता है, इसके हृदय को कठोर कर देता है इसराइलियों के प्रति, इसराइलियों के अंदर, इसराइली के ऊपर, इसराइली के बीच में। इसने एक बात को तो जरूर देखा है, इतना कठोर होने के बावजूद भी, इतना नुकसान उठाने के बाद भी, अपने पहलौठे मरने के बाद भी, अपने जानवर, अपनी खेती, अपना नुकसान होने के बावजूद भी, अपना देश में जो तितर बितर और जो परिस्थितियां बिगड़ गई हैं उनके बावजूद भी, एक बात तो आपके अंदर ये देखता है, इसराइलियों के अंदर देखता है, वो क्या है, इनके ऊपर, इनके अंदर, इनके पास आशीर्वाद है। और जब इस वचन में पढ़ते हैं तो यह बताया जाता है कि सब कुछ ले जाओ, भेड़ बकरे ले जाओ, अपने कहने के अनुसार जो तुम्हें करना वो करो और जाओ, पर जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जाओ। कितनी बड़ी बात है कि आपके अंदर आशीर्वाद छुपा है, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। प्रियो, आपके हृदय में, आपके हाथ में, आपके मुंह में है। क्या आपने बात कभी जानी? यह आपके लिए एक नई बात है कि फिरौन कह रहा है जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जाओ। ये कितनी बड़ी बात है कि आपके पास आशीर्वाद है। जो व्यक्ति आपको मार रहे हैं, जो आपको पीट रहे हैं, जो आपको सता रहे हैं, जो आपके विरुद्ध में बात करते हैं, पर उन्हें यह बात तो पता है कि इनके ऊपर, इनके बीच में, इनके यीशु में वो आशीर्वाद है। जो ये कहेंगे वो हो जाएगा। पहचाने अपने आप को कि आपके अंदर आशीर्वाद है। क्या पहचानते हैं? फिरौन पहचान गया है, फिरौन जान गया है कि आपके अंदर आशीर्वाद है। फिरौन जानता है कि आप जाते जाते मुझे आशीर्वाद देकर जाओ। उसने और किस चीज की डिमांड नहीं की, उसने कहा जाते जाते मुझे आशीर्वाद दे जाओ। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये वचन है निर्गमन 12वां अध्याय उसका 32 पद। आप घर में बैठकर पढ़ना, बाइबल खोल कर देखना कि ये मेरे लिए बड़ी नई बात है कि मेरे अंदर आशीर्वाद छुपा है, मैं दूसरों को आशीर्वाद देने के लायक हूं। क्या आपने पहचानते हैं कि आपके पास आशीर्वाद है या नहीं है? मेरे प्रियो, कहीं हम आशीर्वाद देकर चले गए और हमारे पास श्राप आ गया हो? कहीं हम श्राप में तो नहीं जी रहे? कहीं हम आशीर्वाद खो तो नहीं बैठे? कहीं हम वो अधिकार जो हमें आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर ने दिया है, कहीं हम दूसरों को देकर खत्म तो नहीं हो गए? प्रियो, आपके पास आशीर्वाद है। मैं आपको बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि फिरौन इतनी कठोरता, क्रूर व्यवहार करने के बावजूद भी इनके आशीर्वाद की लालसा करता है, इनके आशीर्वाद की उम्मीद करता है और आशीर्वाद लेकर फिर से अपने देश को हरा भरा करना चाहता है। प्रियो, आपके ऊपर आशीर्वाद है, आपके जीवन में आशीर्वाद है उस परमेश्वर की दया से। इसलिए आप अपने आप को हल्का ना समझें, आप अपने आप को कमजोर ना समझें। आपके अंदर आशीर्वाद है, पहचानिए। आपको परमेश्वर दूसरों के द्वारा, आपके द्वारा दूसरों को आशीर्वाद देना चाहता है। आपके थ्रू परमेश्वर चाहता इसराइलियों को एक फरिश्ते के द्वारा बचा सकता था, पर उसने मूसा का इस्तेमाल किया। मूसा ने लापरवाही की, मूसा ने कहा मैं बोलने में बद्धा हूं, फिर उसने हारून का इस्तेमाल किया। अगर हारून भी मुकर जाता तो वो कुछ और रास्ता निकालता। इतना कुछ होने के बावजूद भी फिरौन इसराइलियों से आशीर्वाद मांगता है। और आशीर्वाद आप जानते हैं कि कितनी बड़ी ताकत और सामर्थ्य रखता है, कितनी बड़ी पावर होती है आशीर्वाद की, अनुग्रह की। और यह आशीर्वाद आपके साथ है, आपके अंदर है। आपको परमेश्वर ने आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए चुना है। प्रियो, आप सोचिए, आज परमेश्वर का दास किरण पाल आपको प्रोत्साहन देना चाहता है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है। और बहुत से आपको तंग करने वाले लोग आशीर्वाद की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। आज आपको बेशक वो परेशान करते हैं, आप अपने आशीर्वाद को बनाए रखिए।
लास्ट घड़ी में वो आपसे आशीर्वाद मांगेगा, आपके हाथ की जरूरत महसूस करेगा, आपकी प्रार्थना की ताकत को महसूस करेगा, उम्मीद करेगा कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। आज आपको कोई पीट रहा है, मार रहा है, आपको सता रहा है, तो परमेश्वर का दास आपको याद दिलाना चाहता है कि अगर फिरौन आशीर्वाद मांग सकता है इसराइलियों से, तो बाकी लोग भी आपसे आशीर्वाद मांगकर अपनी जिंदगी को फिर से पाने के लिए वो तैयार होंगे और आप वो आशीर्वाद देंगे, आप यीशु मसीह के नाम में वो आशीर्वाद देंगे। इसलिए प्रियो, ये वचन बहुत कुछ सिखाता है हमें कि इतनी बातें होने के बाद भी वो आशीर्वाद मांग रहा है। क्या पहचानते कि आपके जीवन में आशीर्वाद है या नहीं है? आज खड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम में कि वो आशीर्वाद आपको फिर से मिल सके। मैं परमेश्वर का दास आप लोगों को यीशु के नाम में आशीर्वाद देता हूँ। प्रभु की आशीष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, इस वीडियो को और भी ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।